अब आता है 11th क्वेश्चन. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ ए आर दिस 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 देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन. ये ट्रायंगल है ए बी सी और इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स दिया है और इन तीनों का जो साइड है ए ए ए है क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, अब एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रूट थ्री बाई फोर स्क्वायर. ऑल्सो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हाफ एक्स वन वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री वन 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 का डिटर्मिनेंट. इसको इक्वेशन वन बनाया, इसको इक्वेशन टू बनाया है. ये भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल ए बी सी है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम वन एंड टू दिस मच इक्वल टू दिस मच क्वान्टिटी. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा वन बाई फोर, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और ये होगा थ्री बाई सिक्सटीन. ये ए फोर होगा, थ्री बाई सिक्सटीन ए फोर. तो फिर यहाँ से फोर से सिक्सटीन कैंसिल हो गए हो जाएगा, तो ये फोर बचेगा और ये हमारा प्रूव हो गया.